देश के वीर जवान हैं, लगातार देश की सेवा तो कर ही रहे हैं, आज किसानों के बीच भी पहुंचे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, एक बहुत गर्व की बात होती है, अभी तक लगातार नारे लग रहे थे कि जय जवान जय किसान, अब तो जवान भी जुड़ने लगे हैं, आपने बॉर्डर पर तो सेवाएं दी, आज किसानों को जरूरत पड़ी तो आप भी यहाँ जमीन पर उतर आए। भाई, किसान बाप का बेटा हूं, तो अगर अपने बाप के साथ नहीं खड़ा होऊंगा तो किसके साथ खड़ा होऊंगा। मेरी माँ किसान थी और हम हमेशा कहते हैं भारत माता की जय। एक जवान के नाते अगर मुझे अपनी हर जगह अपनी माता दिखाई देती है, मेरी माँ दिखाई देती है और वही किसान का परिवार, तो क्यों ना मैं अपने भाइयों के साथ, किसानों के साथ खड़ा हूँ। और बोलिए, जब हमारी माँ की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है कोई दूसरे देश का, तो आप उन्हें जबरदस्त जवाब देते हैं, आज लेकिन किसान टेंशन में, आज आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज दुविधा बहुत हो चुकी है, एक सरकार है जो जवानों की बात लगातार करती है लेकिन आज किसानों के मुद्दे पर वो चुप है, सिर्फ वार्ता की बात हो रही है लेकिन किसानों के बीच में खड़ी नहीं। क्या लगता है, क्या कमियां रह गई, क्या ऐसी वो रही जो किसानों के बीच से गायब? ये सरकार देखो, सदियों से हमारा ये जो देश है किसानों के साथ, ये परंपरा चलती रही है, किसानों की परिवारों के साथ हम लोग खड़े रहे हैं और ये जो हमारी सिविलाइजेशन है ये किसानों के साथ, हिंदुस्तान एक्चुअल में इंडस के चारों तरफ जो खेती बाड़ी करते थे उस वजह से तो हमारा नाम उपजा है। अगर नाम हमारा एक खेती बाड़ी के साथ उपजा है, हिंदुस्तान हुआ है, तो अगर धीरे धीरे अभी मॉडर्न सरकारें बन गई हैं, मॉडर्न सिस्टम बन गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस बन गए हैं, तो ये जो कानून है कागजों में बन गए हैं, ये क्या कागज किसान के साथ जुड़ पाएंगे? जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इन्होंने लिख दिया है, क्या ये किसानों के मन के अंदर, दिमाग के अंदर, उनकी मेहनत के अंदर, उनके हाथों के अंदर, उनकी जमीन के साथ क्या जुड़ पाएंगे? ये कानून जो है किसान से ऊपर की बात करता है, किसान का जो दाना बनता है, किसान जो एक दाना निकालता है जमीन से, वो 6 महीने की, 1 साल की दाना बनते तक जो दिक्कतें आती हैं उसको नहीं देख रहा। हम बाणियां बाण मध्यम बाण वाले जो हैं वो सोचते हैं कि शायद इनको पैसा मिल जाएगा, शायद अभी तक तो नहीं मिला, शायद जो पैसा मिल जाएगा ये तरक्की हो जाएगी तो इसका शायद कुछ चेंज हो जाएगी। मैं आप लोगों के, आप मीडिया, आपके मीडियम के थ्रू कहना चाहता हूं, ग्रेन इज मोर पावरफुल देन डॉलर, ग्रेन इज पावरफुल देन रुपीस, ग्रेन इज पावरफुल देन बनिया, ग्रेन इज बनिया जो हमारी ये ई आजकल करेंसी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जो, उससे बहुत आगे है। सृष्टि ने, नेचर ने, कुदरत ने इस चीज को दिया हुआ है। किसान की ताकत तो वैसी ग्रेन पहले भी थी और अभी भी रहेगी। ये ग्रेन के दम पे, दाने के दम पर इसने कुछ ना कुछ हरकत करनी है और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर एक कानून बन गया है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल है ऑन ग्राउंड आज की जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। मुझे नहीं लग रहा कि ये पढ़ा लिखा बंदा जिसने किसान के साथ मिलकर और किसान की माँ के साथ पैदा होकर अगर किसानियत उसको नहीं आती है, ये कानून, ये बहुत यॉनिंग गैप है। वो कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उनकी इनकम डबल कर देंगे। आपको क्या लगता है इस कानून के आने के बाद क्या ऐसा संभव हो पाएगा, और अगर ये कानून नहीं तो फिर क्या? मुझे ये तो पता नहीं कि 2022 में क्या होगा, लेकिन अगर आज हम RTI से पता करें, ऑर्डिनेंस की वजह से और इस कानून की वजह से जिन्होंने मोटा बनना था, जिन्होंने पैसे कमाने थे, उन्होंने ऑलरेडी इस कानून से पैसे निकाल भी लिए हुए। क्योंकि क्या है, बैंकों से पैसा निकालना है, बैंकों से पैसा निकालने के लिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दो। अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो किसने एक छोटी सी इंडस्ट्री बनाई है और एक किसी का एक जगह है, तो किरायानामा देकर मैं एक बहुत बड़ा प्लान बना लूंगा, पैसा बैंक से ले लूंगा, उसके बाद प्रोजेक्ट फेल हो गया। यही होने वाला है इसमें। अगर मैं आज की तारीख में, अगर मैंने प्रोजेक्ट बनाने हैं, मैंने आगे आगे
कुछ आगे करना है तो मैंने किसानों की छोटी छोटी जमीनें मोटी मोटी जमीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट करके फाइल बना के सीए मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रपोजल बनाएगा, जाके बैंक को देगा, बैंक अफसर को सलूट मारेगा, दो जहन ऊपर ऊपर, किसानियत नहीं है ये, लेकिन वो बान है, मध्यम बान, मध्यम बान जो है उसकी एक तरीका है, और जो नीच चाकरी कर रहे हैं उन्होंने ये कानून बनाया है। मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव गया है आगे मेरे से वोट लेके, वो मेरा चाकरी है, उसको मैं तनख्वाह दे रहा हूं, उसको पेंशन भी मिलनी है। मेरा एमपी, मेरा एमएलए, मेरा आगे प्रधानमंत्री मेरी चाकरी करनी चाहिए, मेरे चाकर हैं, मेरे सर्वेंट्स हैं, लेकिन बीच का जो मध्यम बान है उन्होंने दे अपनी मेरी चाकरी को लपेटे में लेके ये कानून निकाल दिया, और आखिरी में कानून नीचे वालों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब मोदी अमित शाह पूरी कोशिश में है कि किसान किसी तरह से मान जाए, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि मंत्रियों की बात सुने, उनकी बात समझे, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा है। क्या लग रहा है, क्या सरकार समझ नहीं पा रही है, किसान समझ नहीं पा रहे, या फिर वाकई गोलमोल हो रहा है सब कुछ? देखिए, ऐसा कोई भी चीज टेस्ट करता है, कोई भी चीज बंदा बनाता है ना, हम बच्चे को भी एक बड़ा एक कुछ बनाना होता है तो 10 जमाती उसको पढ़ा के फिर कहते हैं बेटे कोशिश कर। डॉक्टर भी बनाना पड़ता है, 5-10-20 साल उसको कुछ ट्रेनिंग करके आगे बनाना पड़ता है। मैं नहीं कहता हूं कि ये कानून में कोई विजन नहीं है, विजन हो सकता है क्योंकि किसी ने बनाया, सोच के बनाया है, दिमाग नहीं बनाया है, लेकिन ऑन ग्राउंड के ऊपर जैसे गाड़ियों की ट्रायल करते हैं, हथियार की ट्रायल करते हैं, हो सकता है कि इस कानून को टेम्परली ट्रायल करके देख लो कि क्या इंप्लीमेंट हो सकता है। आज का जज, आज के वकील इनकी किसानों की प्रॉब्लम्स तो सुलझा नहीं सकते कोर्ट्स के अंदर, वो नए नए एडीसी, डीसी, एसडीएम और क्या कहते हैं अपने डिप्टी कमिश्नर, क्या इनकी प्रॉब्लम्स सुलझाएंगे? उनको भी समय लगेगा समझने के लिए, एकदम से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन देर शुड हैव बीन सम। एक किसी भी चीज को जैसे अगर मैंने जवान बनना है तो एक महीना ट्रेनिंग करके ही तो, सॉरी, एक साल की ट्रेनिंग, 3 साल की ट्रेनिंग करके ही तो मैं पहाड़ी पे चढ़ूंगा, एकदम से तो मैं वहां पर चढ़ जाऊंगा। अभी फौज ऊपर चढ़ाई है, उसमें भी समय लगता है ऊपर चढ़ाने के लिए। तो इसी प्रकार से कोई भी कानून अगर हम लोगों ने लगाना है तो मेरे हिसाब से पहले इसको ट्रायल देनी चाहिए कि क्या हमारा देश तैयार है, क्या हमारा किसान तैयार है, क्या हमारा सिस्टम तैयार है। लेकिन अगर कहो कि ये वीडियो गेम के माफिक, या जैसे हम लोग मोबाइल के अंदर शेयर मार्केट संभालते हैं, हम किसान संभाल लेंगे, मुझे नहीं लगता इट इज प्रैक्टिकल, मेरी समझ से बाहर है। आपको लगता है वीडियो गेम खेला जा रहा है? अब मैं तो कह रहा हूँ ये तो अभी तो वीडियो गेम लग रहा है, अभी देखते हैं कि ये वीडियो गेम खेल कितना सकते हैं। अगर आप छोटी सी एक बच्चे को, हो सकता है कि छोटा बच्चा आज कार चला लेता है, लेकिन उसी बच्चे को बोलो कार चला के ट्रैफिक में दिखा, क्या वो चला पाएगा? इसी प्रकार से क्या ये कानून ऑन ग्राउंड के ऊपर क्या ये किसान चला पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत जल्दी कानून जल्दी आ गया, सरकार ने बहुत जल्दी कर दी, क्या प्रधानमंत्री ने बहुत जल्दी कर दी? अभी सोचना था, बात करनी थी, चर्चाएं करनी थी, तब इम्प्लीमेंट करना था, अध्यादेश लाके जून में तुरंत ऑर्डिनेंस के जरिए इसको पास कर दिया गया। जल्दी नहीं पास हुई, पता सबको है, लेकिन कैसे हम कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर ये कोविड आ गया तो सबके मुंह के ऊपर ये मास्क आ गई। अभी हम लोग कहते हैं कि मुंह पे के सामने मास्क लग के जो मर्जी कर लो, और मास्क के दौरान, मास्क के समय के अंदर ये पूरा जो ऑर्डिनेंस बन गया, फिर बिल में कन्वर्ट हो गया, इसने बहुत ज्यादा लोगों को शक में डाल दिया। मुझे अपनी सेहत का, अपनी लाइफ का तो अभी तक भरोसा नहीं है, और एक नया पुआड़ा पै गया। दुश्मन कोई हरकत करता है तो जो हमारे जवान है, जो अफसर है, वो रणनीति बनाते हैं, लेकिन अब किसान कैसे रणनीति बनाएंगे कि आखिरकार निपटा कैसे जाए, आखिरकार सरकार से बात कैसे की जाए, कैसे जो एक कानून है इसको वापस लिया जाए? आपको क्या लगता है? मैं ये एनक डालूंगा सूर्य की वजह से। देखिए, ये कुछ चीजें जो होती हैं, एक बीजू को आगे पौध बनना, इसकी कोई रणनीति नहीं होती, ये कुदरती है। इसी प्रकार से अगर ये कोई आज फसल एक इंसान, अपने किसान बो रहे हैं, उनको पता अपने अपने इलाके के अंदर, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ये नहीं है कि जो ऊपर से हुक्म मिलता है वही अनाज लगाते हैं, किसी को सब्जी अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है।
लेकिन दुख की बात यह है कि जब सब कुछ वो प्रोड्यूस कर रहा है, सब कुछ आगे वो निकाल रहा है, और उसको तो प्लानिंग वो राम भरोसे है, किसान जो है राम भरोसे है, वो कहते हैं प्रमाण अगर हड़ आ गया तो पूरी खेती गई, और अगर अच्छी उपजाऊ हो गया, अच्छा पैदावार हो गई तो और आगे निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी स्कीमें 36 to 38 गवर्नमेंट की स्कीम है ऊपर से नीचे देने के लिए जवान को, अपने किसानों को मदद करने के लिए 36-37 है। अगर प्रधानमंत्री का नाम लेते और नेहरू का नाम लेते, इंदिरा गांधी का नाम, सारी स्कीमें इनके लिए, अरे यार एक छोटी सी बात ये खुद ही कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है किसान खुद कर रहे हैं, वो कहता है यार सारी स्कीमें बंद करो, MSP दे दो, क्या प्रॉब्लम है? किसान कह रहा है कानून के अंदर, अगर आपने कानून बना ही लिया है, मैंने आप कानूनी तो लिखित में MSP डाल दी, सीधा MSP डाल दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना कोई सब्सिडी चाहिए, ना कुछ चाहिए। देखते हैं कितना आगे करते हैं, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़े। थैंक यू सर। तो आपने देखा वर्क साहब को कितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने बात कही कि आखिरकार MSP कम से कम कानून के अंदर हो, सरकार इतना सोचे, और किसान के साथ अब जवान भी खड़े होने लगे हैं, यानी सरकार को बड़ी मुश्किलें अब होने वाली है, क्योंकि जब जवान और किसान जमीन पर उतरता है तो वाकई बहुत कुछ होता है, बदलाव आता है।